देखिए, आज जो केंद्र का बजट आया है, ये इसको आप सिर्फ 2024 का ना माने, ये 2047 का विजन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक देश को दिशा दी गई है, उसी को देखते हुए इस बजट को अपने सबको देखना चाहिए। जिन चार जातियों का मोदी जी जिक्र करते हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, ऐसा कोई भी वर्ग कहीं पर अछूता न रह जाए, इन सबको केंद्र बिंदु मानते हुए ही इस बजट को दिया गया है। और बहुत ही अच्छा बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। पूरे प्रदेश के अंदर बजट की वाहवाही होना शुरू हो चुकी है। सर, अभी नेता प्रतिपक्ष का पूरा पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को चला गया। देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर जो बजट दिया है, वो सिर्फ टूरिज्म को लेकर के नहीं है, सभी समग्र अमाउंट का वो जिक्र कर रहे होंगे। लेकिन आदरणीय प्रतिपक्ष के नेताओं को कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करनी है। वो तो अभी राजस्थान के भी, इस प्रदेश के बजट को लेकर के भी संतुष्ट नहीं है। एक तरफ तो उनके प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज़ आती है कि क्या आप इन सब कार्यों को पूरा तो कर देंगे, पूरा कर देंगे तो हम आपका धन्यवाद देंगे, हम आपको मान लेंगे। और दूसरी तरफ जिक्र करते हैं कि आपने बड़े बेकार बजट दिया। तो उनकी इन टिप्पणियों को अपन गौर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कमियां निकालने का। लेकिन देश की जनता कोई कमियां नहीं निकाल रही है, देश की जनता मोदी जी के विजन को देख रही है। और आने वाले समय में देश जिस तरीके से मोदी 1 और 2 गवर्नमेंट ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, ये तीसरा मोदी 3rd गवर्नमेंट का ये जो बजट आया है, ये नए कीर्तिमान भी स्थापित करेगा। देश के युवाओं को, महिलाओं को, हर वर्ग को, किसान को, गरीब को नई दिशा देने वाला बजट है। जो केंद्र का आज बजट आया है, वो फिर बहुत बड़ी निराशा लेकर के आया है। आप देख सकते हैं कि उसके लिए न किसान केंद्र बिंदु था, न उनके लिए युवाओं का रोजगार केंद्र बिंदु है, न महिला सशक्तिकरण है, न गांव है, न कर्मचारी वर्ग है। पूरी तरीके से निराशा देने वाला बजट है। आप देखिए कि जो MSP की बात करने वाले लोग थे, वो MSP पे नहीं बोल रहे हैं। किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात करते थे, उससे दुगुनी करने के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। कर्मचारियों को राहत देने की इनकम टैक्स की बात थी, वो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई छूट नहीं दी गई है। उल्टा 15 लाख से ऊपर के ऊपर टैक्स जो बढ़ाने का काम किया गया है, और राजस्थान के लिए पूरी तरीके से राजस्थान तो गायब है। ये जो बजट है देश का, जो मोदी सरकार लेकर के आई है, वो केवल अपनी सरकार को बचाने का प्रयास मात्र है। आप देख सकते हैं कि बिहार और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर इनका टिका हुआ बजट है। उनको अलग से पैकेज दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान को न ERCP का पैसा मिलेगा, न किसानों के लिए MSP मिलेगी, न युवाओं को कोई रोजगार का रोडमैप होगा। बजट में कहा गया है कि 5 साल में 4.1 करोड़ लोगों को हम लोग, युवाओं को रोजगार देंगे। ये तो वही बात है, वही जुमला है जो पहले इन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां और रोजगार देने की बात की थी। आज 11वां साल है, कायदे से 22 करोड़ को हो जाना चाहिए था, और ये अब आगे के 2047 के सपने दिखा रहे हैं। इसलिए इस बजट से राजस्थान को पूरी तरीके से निराशा हुई है। कोई किसी योजना के अंदर यहाँ पर राजस्थान में पैसा नहीं दिया गया है, क्योंकि सारे के सारे जो वर्ग हैं, वो तमाम वर्ग, जो चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, गरीब हो, पीड़ित हो, पिछड़ा हो, उस सब के सब निराशा देख रहे हैं इस बजट में। ऐसा लग रहा है कि बजट जो है, ये सरकार बचाने का बजट है। जो हालत इन लोगों की केंद्र के अंदर बन रही है, आज 50,000 करोड़ रुपए से अधिक आप बिहार को दे रहे हो, 15,000 करोड़ रुपए आप आंध्र प्रदेश को दे रहे हो, तो साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लोगों पे प्रेशर है। आपको देश दिखाई नहीं दे रहा। पहले पूरा फोकस गुजरात पे रहता था, लेकिन अब 3 राज्यों पे हो गया है, और राजस्थान हमारा आज फिर देखता का देखता रह गया।
25 के 25 सांसद दो बार यहाँ से राजस्थान ने लोगों को दिए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से आज जीत के गए। लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की धरती की बात, हमारे समय के रुके हुए प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोच फैक्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, इन सब चीज़ों पे कोई फोकस नहीं रखा गया है। और जो बड़े बड़े दावे किए थे पहले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, डॉलर रुपए बराबर करने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस सस्ती करके आम जनता को राहत देने की बात थी, वो कहीं नज़र नहीं आई। और ये बजट एक प्रकार से मैं समझता हूँ सरकार को बचाने वाला बजट बन के रह गया।